ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप के रील एडिटिंग जो कि आपने स्टार्टिंग में देखी होगी एंड थंबनेल भी मैंने आप सभी को दिखाई कि गाइस इंस्टाग्राम पे एक ऐसी रील है जिसमें गाइस पहले अपनी रील एडिट करते हैं, फिर उसके बाद जो सेकंड रील होती है उनकी उसमें वो ट्यूटोरियल समझाते हैं कि उन्होंने कैसे वो रील एडिट करी। और गाइस आजकल मैं भी ऐसी इंस्टाग्राम पर शॉर्ट्स डालता हूँ जिनमें गाइस जब मैं आपको ट्यूटोरियल दे देता हूँ तो उसके बाद मैं एक शॉर्ट्स में भी समझाता हूँ कि मैंने वो जो है मतलब कैसे एडिट करी है, उसके बैकग्राउंड पेजेस आपको कहाँ मिलेंगे तो मैं शॉर्ट्स में बताता हूँ। तो अगर आप देखना चाहो तो मेरे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में समझाऊंगा कि आपको कैसे एडिट करनी है इस टाइप की वीडियो। तो बाकी चलिए गाइस आज की जो वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को वीएन एप्लीकेशन में जाना है एंड जो भी आपने एडिटिंग करी है पहले गाइस उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप पहले से करके रख लेना गाइस। वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैंने वो बताया तो उसमें वीडियो जब बहुत लंबी हो जाएगी एंड बाकी मैं आगे आपको जो वीडियो दिखाऊंगा तो उसमें भी आप समझ ही जाओगे कि मतलब कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वीडियो है आपकी स्टार्टिंग में जिससे आप सिखाने वाले हो, ठीक है, अगर आपने वॉइस में अगर किया है तो आप वो भी डाल सकते हो, अगर आपने नॉन वॉइस में किया है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने नॉन वॉइस में अपनी वीडियो बनाई है यहाँ पे तो आपने मेरा शॉर्ट्स भी देखे होंगे वहाँ पे, अगर नहीं देखे तो आप देख सकते हो। ठीक है, जाके मतलब कि यहाँ से मेरे चैनल पे जाके देख लेना, शॉर्ट्स में आपको दिख जाएंगी। तो मैंने कुछ इस टाइप से बनाया था तो जहाँ से मैंने मतलब कि स्टार्टिंग की है तो यहाँ से का जो भी वेस्ट पार्ट होगा उनको मैं कट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे जो जो मेन पार्ट है मैं सिर्फ वही रखना है तो यहाँ से मैं इसको भी कट कर लूँगा। अब गाइस देखिए यहाँ पे वाटर मार्क भी मैं हटा लेता हूँ और इसके बाद बताता हूँ आपको क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए गाइस यहाँ पे जो है पहले मैं क्या करता हूँ, जो फोटो का मैं एडिट करने वाला हूँ यहाँ पे है ना, अब तो मैं पहले क्या करता हूँ वहाँ पे उन फोटो को ऐड करता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ ताकि जो वीडियो है जो थोड़ी अच्छी सी लगे। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता हूँ एंड जो ये हाईलाइट्स हैं इनको कम कर देता हूँ एंड एक्सपोजर को कम एंड ब्राइटनेस को भी। सो यहाँ पे अभी क्या करते हैं, इसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे और एडजस्टमेंट कर लेना है यहाँ पे, मतलब कि ये तो मतलब कोई बताने वाली बात है नहीं है वैसे। ठीक है, बट ये अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग आप भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, क्योंकि इससे क्या है कि वीडियो की क्वालिटी और अच्छी लगती है, मतलब यहाँ से वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है सब कुछ यहाँ पे कर लेंगे। तो इसको क्या करता हूँ मैं स्किप करता हूँ अभी आप लोगों के लिए ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे हम इसको स्किप करते हैं डायरेक्ट। अब देखिएगा यहाँ पे आपको क्या करना, देखिए यहाँ पे मेरा मतलब कि मैं हैंड यहाँ पे ऊपर दिखाने स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं सिंपली ऐड वीडियो में जाऊँगा, एंड वीडियो में जाने के बाद जो मैं फोटो को एडिट करने वाला हूँ उस वाली वीडियो को यहाँ से मैं ऐड कर लूँगा, मतलब वीडियो नहीं फोटो। तो यहाँ पे मैंने फोटो एडिट किया है, अगर आप वीडियो एडिट करते हो तो वीडियो को ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, मैंने फोटो को किया था, मैं फोटो को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ स्टेप से ऐड कर लूँगा एंड वीडियो इसका जो मतलब कि यहाँ पे मोशन वगैरह जो है कुछ एनिमेशन वगैरह है वो कुछ स्टेप से रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना अब देखिए यहाँ पे जो है ये एनिमेशन के साथ इतना बढ़िया लग रहा है। अब गाइस देखिए इसमें बारी है टेक्स्ट ऐड करने की। ठीक है, तो टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट का नाम है जो भी आपने एडिट किया, अगर स्लोमो वगैरह ऐड किया है या फिर आपने कोई ब्लर इफेक्ट ऐड किया तो आपको उसको वो टाइप करना है। ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट्स वगैरह आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे हम सिंपली जाएंगे टाइप में, यहाँ पे जो है मैं क्या लिखूँगा क्रिएटिव कॉन्सेप्ट लिख दूंगा यहाँ पे। तो मैं इसको फटाफट करता हूँ देन बताता हूँ आपको आगे करना है। और यहाँ पे जो हमने इसको टाइप वगैरह कर लिया है अब क्या करेंगे, इसको जो है हम ऊपर की साइड में रख लेंगे एंड एनिमेशन जो है जो आपने फोटो का रखा था वही रखना, अगर दोनों एक जैसे होंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा, अगर अलग अलग होगा तो मतलब अलग ही लगेगा। तो आपकी चॉइस है, ठीक है, आप जो मर्जी रखना चाहो वो रख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे मैं ज़्यादा आप लोगों को मतलब ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरी चीज़ों को फॉलो करो। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें होती है जो आपको नहीं भी करनी चाहिए और कुछ कुछ चीज़ें होती है जो आपको करनी चाहिए, तो वो तो मैं बता देता हूँ वो आपको वीडियो में। तो अब क्या करेंगे हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, जो वीडियो हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी जब वीडियो को हमने एडिट किया था उस वाली वीडियो को यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो गाइस मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लिया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वीडियो की जो लेंथ है ना मेरी यहाँ पे वो काफ़ी बड़ी है। ठीक है, तो क्या करेंगे वीडियो एकदम फास्ट कर लेंगे ताकि क्या है कि रील और शॉर्ट जो है इनमें जो है मतलब कि टाइमिंग जो है बहुत टाइम लिमिट जो बहुत कम होता है तो एक मिनट के अंदर अंदर में हमें समझाना होता है। तो यहाँ पे मैं स्पीड बढ़ा दूंगा इसकी, तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ी सी वीडियो की मैंने जो मतलब क्या सिखाया है यहाँ पे। तो ये वाली फोटो एडिटिंग सिखाई थी और इसका फुल ट्यूटोरियल मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी देखिएगा यहाँ पे हमने तो एडिट कर लिया, आप लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट होता है जो भी हमने एडिट करके निकाला है उसको हम यहाँ पे रख देंगे ताकि जो है मतलब जो व्यूवर देख रहा होगा उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आया जाके वो भी एडिट करने जाए। तो यहाँ पे हम एनिमेशन वगैरह ऐड कर लेंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट है। अब गाइस देखिए यहाँ पे जो हमारी वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको सेव कर लेते हैं। बाकी गाइस आज की हमारी वीडियो यहीं देख रही, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक कीप लविंग कीप सपोर्टिंग।